आईबीएन 24 न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं छिंदवाड़ा की, जहां छिंदवाड़ा पुलिस ने किया लूट की घटना का खुलासा। जिले में बढ़ रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि जिसमें कोतवाली निरीक्षक समरजीत सिंह परिहार के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमल मौर्य के मार्गदर्शन में छिंदवाड़ा पुलिस ने कुछ संदेहास्पद व्यक्तियों को सूने मकानों में चोरी करते हुए पकड़ा। देखिए पूरी खबर आईबीएन 24 न्यूज पर आशीष मालवी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ एक महीने में लगातार शहर छिंदवाड़ा में और जिले में कुछ चोरियां बढ़ी थी। इसको गंभीरता के लेकर के माननीय पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा ने बहुत ही गंभीरता से लिया और इसमें टीआई कोतवाली श्री समरजीत के नेतृत्व में एक स्पेशल टीम बनाई। मुझे और सीएसपी को निर्देशित किया गया तो उपरोक्त टीम को लगातार मार्गदर्शन दें एवं साथ में ही माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय हमको लगातार अपना मार्गदर्शन और टिप्स देते थे, जिसके कारण से आज हमने एक बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है, जिसमें हमने 4 लोगों को पकड़ा है। इसमें एक बालिग है और 3 नाबालिग हैं, जिनसे हमने 8 चोरियों का माल बरामद किया है, जो उन्होंने माननीय किशोर न्यायालय और एक पत्रकार जी के घर में भी चोरी करी और अन्य 6-7 घरों में और जो चोरियाँ की हैं वो हमने रिकवर की हैं। संपूर्ण चोरी का जो माल चोरी हुआ था उसका 80% माल हम लोगों ने बरामद कर लिया, तो 5 लाख के लगभग का है। और आज इनको माननीय